हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC क्लासेस बाय राजन वर्मा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप सभी का लेखपाल का बैच चल रहा है 25 25 आउट ऑफ 25। तो यहाँ पर आपका मैंने कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, आपका प्रतिशत हो गया है, लाभ और हानि हो गया और डिस्काउंट हो गया है। ठीक है, डिस्काउंट और लाभ और हानि एक ही साथ पढ़ाया जाता है प्लस प्रतिशत। तो कहने मतलब दो चैप्टर आपके हो गए हैं। तीसरा चैप्टर बीजगणित से मैंने उठाया है। ठीक है, आपको सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, तो बीजगणित में आपका आज मैं पढ़ाऊंगा लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य और उनमें संबंध, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ आज पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक के साथ। तो आपको पक्का ये क्लास बहुत अच्छी लगने वाली है। अच्छा, ये क्लास आपकी फ्री है, लेकिन मेरी जो बाकी क्लास है वो आपको 29 रुपीज में ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आगे के बैच को आप 29 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में आपका ज्वाइन बटन है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो गूगल पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, गूगल पे से। ठीक है, 29 रुपीज में आप पूरा बैच पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, तो यहां पर देखिए, आराम से पढ़िएगा। वह सबसे छोटी संख्या, इसको आप नोट करिए, वह सबसे छोटी संख्या। बच्चों, बहुत मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं, देखिए सारे क्वेश्चन मैंने खुद लिख कर यहां पर नोट किए हैं, सब कुछ बहुत मेहनत से कर रहा हूं मैं आप सभी के लिए। वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो, पूर्णतया मतलब हो गया आपका कंप्लीटली, और विभाज्य मतलब डिविजिबल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास संख्याएं हैं। ठीक है ना, ये आपके पास संख्या है 2 3 4 5। मैंने आपसे कहा वह सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए जो 2 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, 4 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, वो संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम आपसे क्या कहेंगे, आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए, मैंने बोला 2 3 4 5। अब देखिए, 2 से आपका 4 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 को लेने की जरूरत नहीं है, हम 3 4 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15 और 15 चौक 60, तो कितना आ गया, 60 जो आपका एलसीएम आया, यही आपका सबसे छोटा नंबर है 60, जो 2 से भी डिवाइड करेंगे, 2 से या 3 से या 4 से या 5 से, तो आपका क्या होगा, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 60 जो है पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब है कि जो आपका शेषफल है, जो आपका रिमाइंडर है, वो क्या होना चाहिए, वो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन से समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहले क्वेश्चन से समझते हैं एलसीएम को और अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या मतलब हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, जिससे 12 15 24 12 15 18। ठीक है, क्या क्या है, 12 15 18 24 और 30 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो हमें एक वो संख्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी, 20 से भी और 30 से भी। ठीक है, तो देखिए हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, यहां पर हम देख रहे हैं कि 12 है और 24 है। ठीक है, तो 24 आपका क्या होगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 12 को नहीं लेंगे। और यहां पर आप देखिए 30 है और यहां पे 15 है, तो जो आपका 30 है वो क्या होगा, 15 से डिवाइड है, तो 15 को भी नहीं लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, 18 24 30। अब बस हमें इनका एलसीएम निकालना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30। ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, 18 24 और 30। ठीक है ना, ये कॉमा है आपका। ठीक है, तो इसको अगर हम बेसिक से करें तो कैसे करेंगे, 2 9 18 और ये हो गया 12, 2 1 2, 2 2 4 और ये हो गया 15। ठीक है, फिर आगे करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो फिर आगे हम क्या हो जाएगा आपका, 3 1 3 4 और 5, फिर क्या आ जाएगा, फिर 4 1 4, फिर 5, फिर क्या आ गया, 1 1 और 5 1 5, तो यहां पर भी आपका वही आया, देखिए 3 दुनी कितना हो गया, 6 हो गया,
और यहां पर आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। यहां पर भी देखिए आपके कौन कौन से नंबर है, 6 3 4 5, तो आपके पास जो एलसीएम आया वो कितना हो गया, 6 × 3 × 4 × 5। इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें, 18 × 2 = 18, 6 × 3 = 18 और 5 × 4 = 20, तो कितना हो गया, 360 आपका आंसर आ गया। ये आपका 360 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां पर देखने को आज मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 13/15, 13/15 और 15/17 और 17/19 और 19/21 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलते ही होंगे एग्जाम में। 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है अंतर, ठीक है ना। क्या देखना होता है, हमें अंतर देखना होता है। चलिए देखते हैं। अब यहां पे देखिए 13 और 15 के बीच में कितना अंतर है मेरे दोस्त, 2 का अंतर है। कितना अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है। फिर यहां पर आप देखिए 15 और 17 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। यहां पे कितना अंतर है, 2 का अंतर है। यहां पे कितना अंतर है, 2 का अंतर है। जब कभी भी आपका ऐसा ऐसा कंडीशन आए कि आपका अंतर क्या हो, अंतर समान हो, अगर अंतर समान है तो क्या होगा, यहां पर आप नोट कर लीजिए, यहां पर आप नोट कर लीजिए कि बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होगी। बड़े बड़े अंश वाली, बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होगी, बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब अंतर समान है तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए कि बड़े अंश वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो बड़े अंश वाली का मतलब क्या हो गया, 19/21। अंश का मतलब क्या होता है, अंश होता है ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो ऊपर देखिए सबसे बड़ा कौन है, 19 ही तो है, समझ रहे हैं। सबसे बड़ा कौन है, 19 है, तो जो सबसे बड़ा होगा वही आपका नंबर भी बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट टाइप का है पावर वाली संख्या का एलसीएम निकालना। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, 12 की पावर 16, 18 की पावर 15 और 30 की पावर 18। अब इसका एलसीएम निकालने का प्रोसेस क्या है वो सीखते हैं। 12 की पावर 16, 18 की पावर 15 और आपका कितना है, 30 की पावर 18, ठीक है। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4 और 4 × 3 = 12 और इसकी पावर 16, ठीक है। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6 और 6 × 3 = 18 की पावर 15 और 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6 और 6 × 5 = 30, 2 × 3 = 5 की पावर 18, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 16, 2 × 3 की पावर 2 हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 और पावर कितना है, 15। यहाँ पे अब हम देखेंगे ये तो वैसे ही रहेगा, 2 3 5, यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका जो 12 की पावर 16 है वो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 16 × 32 × 3 की पावर 16, ठीक है। और आपका 18 की पावर 15 जो है वो कितना बन जाएगा आपका, 2 की पावर 15 × 3 की पावर 30, ठीक है। उसके बाद 30 है आपका, वो आपका कितना बन जाएगा, 30 की पावर 18 कितना बन जाएगा, 2 की पावर 18 × 3 की पावर 18 × 5 की पावर 18, ठीक है। थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम। अब आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर भी आपका 2 है, 2 की पावर 32 है, 2 की पावर 15 है, 2 की पावर 18 है, तो जो सबसे मैक्सिमम है उसको हम उठा लेंगे गुड़े। अब देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 की पावर 16, 3 की पावर 30 और 3 की पावर 18, तो सबसे बड़ा कौन है, 3 की पावर 30, ठीक है गुड़े। अब देखिए 5 की पावर 18 यहाँ पे है और कहीं पे भी नहीं है, तो जो बचा आपका वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बहुत बार देखने को मिला होगा कि आपका क्या है, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहां पे दे रखा है 18 की पावर 25, 12 की पावर 5 और 7 की पावर 10, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर जो है 18, 12 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे जो है आपका 25, 5 और 10,
इसका आप क्या निकालेंगे, का एचसीएफ निकाल लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 18, 12 और 7 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको आप देख लेते हैं, 2 9 18, 2 6 12 और ये हो गया 7, 3 3 का 9, 3 2 6 और ये हो गया 7। तो आपका एलसीएम इसका कितना हो गया, 2 × 3 × 3 × 2 × 7 बटे एचसीएफ 25, 5 और 10 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना मैं आगे सिखाऊंगा, ठीक है, यहां पे मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ का चैप्टर अलग है, उसको मैं आगे बताऊंगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, 2 3 6 6 3 18 18 2 18 2 36 और 36 × 7, ठीक है ना, 36 × 7 बटे 5 हो गया। एक बार और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 6 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 3 21 और 4 25, 252/5, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी कितना अच्छा है, संख्या पर आधारित। अब आपका क्या है, संख्या पर आधारित प्रश्न है, ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर देखिए सेशन आपको अच्छा लगेगा तो बैच अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका पूरा कोर्स खत्म कराऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से, बहुत अच्छे से। देखिए वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या मतलब आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसमें 4 5 6 7 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 जो है आपका क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है या शेषफल प्राप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आपसे पूछे जाते हैं और 100% जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं या ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम 4 5 6 7 8 और 12 का हम क्या निकाल लें, सबसे पहले एलसीएम निकाल लें, ठीक है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं जो 4 है वो 8 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 4 को छोड़ दीजिए। 6 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए 6 को भी छोड़ दीजिए। और कुछ बचा, अब बचा आपके पास 5 7 8 और 12, ठीक है। अब इसी का हमें निकालना होगा एलसीएम, तो यहां पर हम देख लेते हैं ये आपका क्या कटेगा, ये 2 से कटेगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 4 8 और 2 6 12, ठीक है। आगे देख लीजिए, 2 5 7 और 2 2 4, 2 3 6, ठीक है ना। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका बहुत है, आप और भी तरीकों से निकाल सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7 × 2 × 3, ठीक है। अब इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं, 2 2 4 और 5 20 हो गया, गुड़े 3 7 2 14 हो गया, गुड़े 3, ठीक है। अब 3 × 20 में कर लीजिए तो 60 हो गया, गुड़े 40, ठीक है। अब और आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 40 × 14 है मेरे दोस्त, बस ये लिखने में हमसे कहीं गलती हो सकती है, बाकी प्रोसेस समझाने में कहीं कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। ये कितना है आपका, 14 है, ठीक है। अब 14 × 6 कितना हो गया आपका, 14 × 6 = 84, ठीक है। ये आपका हो गया 840, ये आपका एलसीएम आ गया, क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ये यहीं पे बताते हैं, अब आपका एलसीएम कितना आया, 840, यही तो आया। अब आपसे क्या कह रहा है, अगर 840 को आप 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इससे डिवाइड करेंगे ना तो आपका शेषफल 0 बचेगा, 0 बचेगा, और शेषफल कितना बचना चाहिए, 2, तो उसमें क्या करिए, 2 जोड़ दीजिए, तो 842 आपका नंबर हो गया, जिसको आप 4 5 6 7 8 और 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, 2 हमेशा शेषफल बचेगा। तो जो भी आपको शेषफल बोल रहा है बचेगा, उसको आपको क्या करना है, एलसीएम में जोड़ देना है, बस इतना ही करना है। चलिए अगला टाइप देखते हैं, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, ठीक है, क्या, हाँ ये रहा आपका, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो जिसमें जोड़ने या घटाने के, जिसमें जोड़ने या घटाने के बाद, ठीक है ना, क्या है, बाद पूर्णतया विभक्त हो जाता हो, ये आपका नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो यहां पर देखिए छठा क्या है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर, ठीक है, 12 15 18 24 एवं 30 पूर्णतया विभाज्य है, ठीक है। तो वह सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है जो आपका 12 15 18 24 और 30 से
पूर्णतया विभाज्य हो जाए, ठीक है, 10 जोड़ने पर। तो देखिए यहां पे सबसे पहले हम जब एलसीएम निकालेंगे इसका, तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए 12 से ये हो गया 24, तो 12 छोड़ दीजिए, 15 से 30 तो 15 छोड़ दीजिए। अब 18, 24 और 30 का एलसीएम अगर हम निकालें, पहले भी अभी इसका एलसीएम निकाला था तो कितना आया था, 360 आएगा, ठीक है ना। तो 360 आपको क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ये आपका एलसीएम आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें जिसमें 10 जोड़ने पर, जिसमें 10 जोड़ने पर 12 15 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, जो आपका 10 जोड़ने पर बोल रहा है, ठीक है ना, उसको हमें इसमें घटाना हो गया, -10। तो आपका आंसर कितना आएगा, 350। अभी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए आपको एक बात बताता हूं, सबसे छोटी संख्या निकालना था। अब देखिए 350 को आप 12 से डिवाइड करके देखिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 2 गया 1 और ये हो गया 0, ठीक है। अब आपका 10 जोड़ने पर ना, तो जब कह रहा है 10 जोड़ने पर आपको वो संख्या प्राप्त होना चाहिए, तो आपका एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, 350 होगा। अब देखिए ये आपका डिवाइड नहीं होगा, अगर हम इसमें 10 जोड़ दें तो 360 जो हमारा होगा वही तो वो नंबर होगा जो 12 15 18 24 30 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो और वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्वेश्चन को समझिएगा, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर, तो 350 है जिसमें 10 जोड़ने पर 12 15 18 24 और 30 से पूर्णतया विभाज्य होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन में 360 मिलेगा, 350 मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा, और आप जल्दबाजी में 360 को टिक कर देंगे और आप आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है ना। तो हमें वो संख्या बताना था जिसमें 10 जोड़ने पे वो डिवाइड हो, ठीक है, तो 10 जोड़ने का मतलब 350 आपका हो गया। अगला टाइप हम देखेंगे, सबसे छोटी संख्या निकालनी हो जिसमें भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त होता है, क्या होता है, शेष अलग अलग प्राप्त होता है। और देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, क्या, जब संख्या एवं शेष का अंतर समान हो, संख्या एवं शेष का अंतर समान हो तो एलसीएम का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप वो क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12 18 24 एवं 27 से भाग देने पर शेष क्रमशः, जो शेष हमारा है, शेष मतलब रिमाइंडर या शेषफल, क्रमशः 10 16 22 एवं 25 प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो संख्या है वो कौन सी है, 12, 18, 24 और कितना है, 27 है, तो 12 दूनी 24 हो गया, तो 12 हटा दीजिए, हमें एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, 18, 24 और 27 का, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और बता दूं, इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, तो वैसे ही निकालना है बच्चों की तरह जैसे कि हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 6 18 और ये आपका हो गया 3 8 24, 3 9 27, ठीक है। आगे भी देख लीजिए, 3 2 6 और ये 8 और 3 3 9, तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 3 3 2 8 3, ठीक है, एलसीएम कितना हो गया आपका, 3 × 3 × 2 × 8 × 3, ठीक है, ये कितना हो गया, 3 3 9, 9 2 18, ठीक है, और ये हो गया 18 गुड़े, और ये आप इसको 8 3 24 कर लीजिए, 24, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ गया, 216। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब देखिए एलसीएम निकालने का काम तो हो गया, अब हमें क्वेश्चन कह रहा है 12 18 24 एवं 10, तो यहाँ पे 12 18 24 एवं 27, ठीक है। अब ये शेष क्या प्राप्त होता है, 10, शेष क्या प्राप्त हो रहा है, 10 16 22 और 25, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पे आपको कितना बचा, 2 बचा, यहां पे आपका कितना आया, 2 आया, यहां पे आपका कितना आया, 2 आया, यहां पे आपका कितना आया, 2 आया, तो दोनों में अंतर जो है आपका क्या है, समान है, नोट करके जो मैंने लिखा था, अब एक बार उसको हम फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जब संख्या कौन सी है, 12 18 24 एवं 27 एवं शेषफल क्या है, 10 16 22 एवं 25 का अंतर समान हो तो एलसीएम का प्रयोग करना चाहिए। तो
तो आपने देखा यहां पे एलसीएम का प्रयोग किया गया है क्योंकि अंतर यहां पे समान था। ठीक है, यहां पे अंतर आपका समान है। कितना अंतर है? अंतर कितना है आपका? 2 है। ठीक है ना, तो 216 जो आपका आया है उसमें से 2 आप घटा देंगे तो 214 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? जो आपका 2 है उसको घटा देंगे तो आपका वो सबसे छोटी संख्या मिल गई 214। ठीक है, जिसको 12, 18, 24 एवं 27 से भाग करने पे आपको क्रमशः शेषफल 10, 16, 22 एवं 25 प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पे हम देखिए लिखते हैं 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और शेषफल कितना प्राप्त होता है? 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसका अगर हम अंतर देखें तो 1 आएगा। सबका अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सबका अंतर 1 आया। ठीक है ना, सबका अंतर 1 आया। इसका मतलब हमें क्या है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा नंबर है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और ये 9 हो गया। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, 4 से ही डायरेक्ट कर लेते हैं ना, इसको हटाइए और 4 से कर लेते हैं। 4 एकम 4, 5 6 7 और 4 दूनी 8 और 9। फिर आपका देखिए 2 से हो जाएगा 1, 5 2 तिहाई 6, 7 2 एकम 2 और 9। अब आपका क्या बचा? 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये बचा ना, इसको फिर से हम कर लेंगे। तो 3 से हो जाएगा 3, 1, 5, 3 एकम 3, 7, 1 और 3 3 9। अब आपका क्या बचेगा? अब आपके पास एलसीएम आ गया। एलसीएम हम कितना आ गया? 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा नंबर है। तो देखिए कैसे कर लेते हैं, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, ये 30 हो गया आपका। फिर हम और देख लेते हैं, 4, 7 चौक कितना हो गया? 28 गुणे 28 हो गया, गुणे 3 हो गया। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 30 गुणे, और ये कितना हो गया? 8 3 24 का 4, हासिल लगा 2 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, 4 3 12 2, हासिल लगा 1 8 3 24 और 1 25। तो कितना आ गया एलसीएम आपका? 2520। कितना एलसीएम आ गया? 2520 आपका एलसीएम आ गया। अब अंतर कितना था यहाँ पे? अंतर कितना था? 1 था, तो 1 घटा देंगे, 2519 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप क्वेश्चन कर भी पाएंगे, अदरवाइज एग्जाम में आपको याद ही नहीं रहेगा कि कैसे करना था। ठीक है ना, अगला टाइप देखते हैं। टाइप क्या है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना हो। आप हर टाइप के क्वेश्चन यहां पे पढ़ रहे हैं, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना हो तो वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15, 20 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो भाई 12, 15, 20, 12, 15 और 20, इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 छंग 12 15 और 2 दहम 20, 2 तिहाई 6 15 और 2 पांचे 10। ठीक है, 3 एकम 3 3 पचे 15 और 5। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया दोस्त? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, इसका अगर हम और निकाल लें तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 4 तिहाई 12। ठीक है, ओ सॉरी, ये 5 नहीं रहेगा ना, ये 5 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 गुणे 5 कितना हो गया? 60 आपका एलसीएम आ गया। कितना आ गया? 60 आपका एलसीएम आ गया। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे अब आपको ध्यान देना होगा कि एलसीएम आपका कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है ना, अब आपसे कह रहा है कि बिना, अब आपको क्या निकालना होगा? बिना जोड़ा वाला संख्या। ठीक है ना, बिना जोड़ा वाला संख्या। ठीक है, कौन कौन है?
यहां पे बिना जोड़ा वाला संख्या कौन कौन है, तीन है और पांच है। क्यों? क्योंकि देखिए एक बार समझिएगा, दो और चार तो जोड़े में है ना, दो और चार क्या है, जोड़े में है, तो बिना जोड़ा वाला संख्या क्या हो गया, तीन और पांच हो गया। ठीक है, तो जो आपका बिना जोड़ा वाला संख्या है एलसीएम में उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 × 90, 900। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो 900 एक ऐसी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो आपका 12, 15 एवं 20 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आएगा, 900। ये बात समझ में आई? देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बिना जोड़ा वाला संख्या है 3 और 5, ठीक है, 3 और 5, उसका आपका एलसीएम में मल्टीप्लाई करना होगा तभी आपका आंसर आएगा। तो ये सब आपको प्रैक्टिस अभ्यास करना पड़ेगा तभी आपको ध्यान रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका सेशन एलसीएम में। अभी एलसीएम के क्वेश्चन और भी कराए जाएंगे, अगला सेशन मेरा होगा एससीएफ, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा और उसके टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। फिर इसके बाद आपको एलसीएम एंड एससीएफ दोनों के बीच में रिलेशन बताएंगे, ठीक है ना, संबंध बताएंगे। फिर उस संबंध के बीच ऊपर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराए जाएंगे ढेर सारे, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और कोई भी आपको दिक्कत हो, क्लास कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है ना, जरूर कमेंट करिए। और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।